दोस्तों, कभी ना कभी आपने अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस ज़रूर यूज किए होंगे, जैसे मैं तुम्हारी वजह से फेल हो गया, या फिर बारिश की वजह से कीचड़ हो गया, या फिर उसकी वजह से मुझे चोट लग गई। इन सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए सीखते हैं। मैं तुम्हारी वजह से फेल हो गया। आई हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। आई हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। बारिश के कारण कीचड़ हो गया। इट टर्न्ड मड बिकॉज ऑफ रेन। इट टर्न्ड मड बिकॉज ऑफ रेन। उसकी वजह से मुझे चोट लग गई। आई गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ हिम। आई गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ हिम। उसकी वजह से मेरा मोबाइल चोरी हो गया। माई मोबाइल हैज बीन स्टोलन बिकॉज ऑफ हिम। My mobile has been stolen because of him. आग की वजह से मेरा घर जल गया। My house has been burned because of fire. My house has been burned because of fire. Corona की वजह से देश को घाटा हुआ। The country has been reduced because of corona. The country has been reduced because of corona. Corona की वजह से कई लोग मारे गए। Many people died because of corona. Many people died because of corona. सूरज की वजह से सवेरा हो गया। It is morning because of the sun. It is morning because of the sun. गिरने की वजह से मेरा पैर टूट गया। My leg broke because of falling. My leg broke because of falling. धूप की वजह से वह काला पड़ गया। He turned black because of sunlight. He turned black because of sunlight. दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और पहली बार आप मेरे चैनल पर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं रोज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।